सो वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस कल्चर और कम्युनिकेशन एंड लो एंड हाई कल्चर का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी अनेबल बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इन दैट फर्स्ट विल सी द व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, सो इन दैट इन पास्ट फ्यू डिकेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट अ प्रिंटेड मैसेज, पिक्चर्स, इवन लाइव परफॉर्मेंसेस टू ऑल कमर्स ऑफ द वर्ल्ड विथ प्रॉम्प्ट स्पीड, ठीक है। तो अभी जो जिस तरह से इन्वेंशन हो रहा है, जैसे इंटरनेट यूज़ होने लग गया है, ठीक है, सो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पॉसिबल हुए। जस्ट लाइक प्रिंटेड मैसेज आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, जैसे मेल हो गया, फेसबुक है, व्हाट्सअप यू कैन यूज़, ठीक है, देन पिक्चर्स, फेसबुक पे पिक्चर अपलोड कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हो, ठीक है, ट्विटर है, ठीक है, देन इवन लाइव परफॉर्मेंस, जैसे अभी ये लाइव लेक्चर चल रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे भी लाइव सेशन ले सकते हैं, फेसबुक इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ और इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट, या इंटरनेट में जिस तरह से रिसर्च एंड एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है कम्युनिकेशन में भी, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन कैन बी सेंड टू अ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन ओनली विद अ सिंगल टच, ठीक है, जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो एक सिंगल टच पे क्या हो रहा है, यू कैन कम्युनिकेट विद द अदर, ठीक है, जैसे टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो, ठीक है, ऑडियो सेंड कर सकते हो, पिक्चर्स कैन बी एक्सचेंज, ठीक है, एक नहीं ग्रुप से भी डायरेक्टली, ठीक है, मीन्स वन टू मेनी एंड वन टू वन बोथ कम्युनिकेशन विल बी पॉसिबल, ठीक है, सेम वे फॉर द फेसबुक ऑल्सो। सो नॉट ओनली अ लार्ज बिजनेस हाउसेज बट इवन मीडियम एंड स्मॉल वंस यूज देम इन देयर डे टू डे ऑपरेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ओनली जो छोटे बिजनेस है वही यूज़ कर रहे हैं या बड़े बिजनेस है वही यूज़ कर रहे हैं, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल टू मीडियम टू द लार्ज बिजनेस, ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरीज होती बिजनेस की, ठीक है, स्मॉल देन मीडियम स्केल एंड द लार्ज स्केल। सो कॉमन अमाउंग सर्च मीन्स आर फैक्स, इंटरनेट, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें जो कॉमन थिंग है फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन इज फैक्स, ठीक है, तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कि फैक्स क्या होता है, ठीक है, देन इंटरनेट एंड ईमेल, ईमेल सब लोगों को पता है, ठीक है, वी कैन सेंड ईमेल टू अ पर्सन, सिंगल पर्सन और डायरेक्टली टू द वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी क्या होता है, वीसी में यू कैन टेक द लाइव सेशन और लाइव मीटिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों भी जो चीज़ें दैट आर कॉमन इन द बिजनेस कम्युनिकेशन, ओके, सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। देन वील सी वन बाय वन, ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ सेलुलर फ़ोन, ठीक है, तो सेलफोन अभी सबके पास है, दैट इज स्मार्टफोन। तो इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेलफोन, ओके, और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेलफोन इन बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है उसमें, सेलुलर फ़ोन ऑपरेट थ्रू एयरवेज मच लाइक अ रेडियो, ठीक है, तो जो सेलुलर फ़ोन है वो वायरलेस कम्युनिकेशन है, दैट इज़ अ रेडियो वेव कम्युनिकेशन, ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो सेल फोन का दूसरा नाम है मोबाइल फ़ोन। इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट वेव एनालॉग और डिजिटल टेली कम्युनिकेशन इन विच द सब्सक्राइबर हैज़ अ वायरलेस कनेक्शन फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टू द रिलेटिवली नियर बाय ट्रांसमीटर। तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, इट विल वर्क ऑन द शॉर्ट वेव, एस डब्ल्यू बैंड पे वर्क करता है, और डिजिटल टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, मीन जैसे हम बाइनरी पढ़ रहे वंस एंड जीरोस फॉर्म में डिजिटल, सो उसी फॉर्म में डेटा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। इट कैन बी अ वॉइस डेटा और इट कैन बी अ वीडियो और ऑडियो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाज, ओके, सो इन विच सब्सक्राइबर हैज़ अ वायरलेस कनेक्शन।
तो इसमें क्या होता है, एक वायरलेस कनेक्शन होता है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो पर्सन कॉल कर रहा है और जो पर्सन रिसीव कर रहा है, ठीक है। सो देर इज अ वायरलेस कनेक्टिविटी बिटवीन दिस टू सब्सक्राइबर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन है, दैट इज़ अ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, बोथ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल इन द मोबाइल फोन, ओके। सो दैट इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन, ओके। सो दैट इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रांसमीटर स्पैन कवरेज इज कॉल्ड एज अ सेल। जो ट्रांसमीटर है मीन जो कॉल कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ अ ट्रांसमीटर। सो उसका एक कवरेज एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेल। मीन्स हर जो हर एरिया में एक अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। मीन जहाँ पे मोबाइल टावर लगा है तो उसका एक रेंज है पर्टिकुलर, उस टावर का एक रेंज है कि वो कितने सब्सक्राइबर को या ट्रांसमीटर को या रिसीवर को क्या कर सकता है, सर्विस कर सक सर्विस दे सकता है, मीन्स ऑडियो एंड इंटरनेट सर्विस, ठीक है। तो हर सेल में कुछ मोबाइल फोन्स होते हैं जैसे एरिया वाइज, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली अ सेल। अ सेल इज़ अ जियोग्राफिक एरिया रेंजिंग फ्रॉम लेस देन क्वार्टर माइल्स टू द माइल्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल का एक एरिया होता है, ठीक है। जैसे एक टावर है आपके घर के पास, सपोज उसका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक रेंज है, ठीक है। उस रेंज के बियॉन्ड फिर नेक्स्ट टावर, ठीक है, वो रेंज प्रोवाइड करेगा। मीन्स होप टू होप कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेल। दैट इज़ नॉट दैट इज़ अ जियोग्राफिकल एरिया दैट रेंज फ्रॉम क्वार्टर ऑफ माइल टू द माइल्स विच वुड सर्टन फिक्स रेडियो सिग्नल रिसीवर और ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये जो टावर है ये रिसीवर का भी काम करेगा और ट्रांसमीटर, बोथ द वे टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। एज वेल एज वॉइस कॉल्स एज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द इंटरनेट, ठीक है। तो ये भी काम हो रहा है कि आप यहाँ से इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो एंड सिंपली वॉइस कॉल कैन ऑल्सो भी एक्सेस। तो ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोथ वे काम कर रहा है, ठीक है, मोबाइल टावर। तो एक फिक्स जो एरिया है या सेल है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेल इन टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो उतने सेल को क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एज अ ट्रांसमीटर एंड एज अ रिसीवर ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक ऑफ सेलुलर फोन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एज द सेलुलर टेलीकॉम और टेलीफोन यूजर्स मूव फ्रॉम वन सेल टू द और कवरेज एरिया टू द अनदर। मीन्स अभी क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन है, नाम ही उसका मोबाइल है, सो इट कैन मूव विथ यू, ठीक है। तो क्या होगा अगर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, हो सकता है आपके घर पे और अभी आप कहीं बाहर चले गए, ठीक है। तो क्या होगा, सेल चेंज होगा, आपके घर के पास जो टावर लगा है उसका 1 किलोमीटर रेंज है, आप उस 1 किलोमीटर से अगर आगे चले गए तो क्या होगा, ये सेल शिफ्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम योर होम नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो एरिया ऑफ कवरेज टू अनदर, द टेलीफोन इज इफेक्टिवली पास ऑन टू द लोकल सेल ट्रांसमीटर। ऑल्सो वन नीड नॉट हैव टू बोथ अ लैंडलाइन एंड सेल फोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्मूथली स्विच हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में। दूसरा सेल का सपोज 2 किलोमीटर रेंज है, ठीक है, आप उसके भी बियॉन्ड चले गए तो नेक्स्ट सेल में क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स कंटिन्यूसली रेंज होगा आपके मोबाइल को, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट और यू कैन टेक एज अ रिसीव द कॉल और कॉल समवन, ठीक है। तो ये सब काम उसमें हो सकते हैं। मीन्स स्मूथली क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। बट इन केस ऑफ लैंडलाइन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो सेल फोन प्लान्स आर गेटिंग चीपर दिस डेज एंड सम ऑफ देम मे एक्चुअली कॉस्ट लेस देन अ लैंडलाइन रेट, ठीक है। तो जिस तरह से पहले लैंडलाइन था BSNL का MTNL का, तो उसके जो मंथली चार्जेस थे या ईयरली चार्जेस थे, तो उससे लेस देन चार्जेस सेल फोन टेक्नोलॉजी या मोबाइल फोन्स अभी सब्सक्राइबर को दे रहे, अलग अलग कंपनीज है अलग अलग रेट्स है। बट एज कम्पेयर टू द लैंडलाइन, ठीक है, द मोबाइल फोन और सेल फोन चार्जेस आर लेस। सो यू कैन यूज़ योर सेल फोन एज योर प्राइमरी लाइन एंड सेव द मंथली कॉस्ट ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन, ठीक है। तो
तो अभी तो आपको पता है कि लैंडलाइन फ़ोन बहुत ही कम हो गए, ठीक है। ज़्यादातर अभी यूज़ हो रहा है आपका सेल फोन, स्मार्टफोन, क्योंकि उसमें इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देन आप वॉइस कॉल भी एक्सेस कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग इज़ आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल फोन्स आर मोर प्रेफरेबल देन द लैंडलाइन फोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा कंपेरिजन दिया था ये। द नेक्स्ट पॉइंट, विद द सेल फोन टावर्स कॉन्स्टेंटली पॉपिंग अप टू गिव द अनइंटरप्टेड रिसेप्शन एंड सीमलेस सर्विस, द वेदर कंडीशन और पार्किंग एरियाज एक्सेट्रा इज़ नॉट अ मच प्रॉब्लम एज इट यूज टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलफोन के लिए टावर्स है, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है, हर टावर का एक रेंज होता है, मिस सेल होता है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉन्स्टेंटली पॉपिंग अप टू गिव यूअर्स अ अनइंटरप्टेड रिसेप्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप मूव हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से थर्ड सेल में, इस तरह से कंटिन्यूअसली, तो आपको एक अनइंटरप्टेड क्या हो रहा है, रिसीव सर्विस रिसीव हो रहा है, ठीक है। बस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है शिफ्टिंग में, वो स्मूथली शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यू कैन यूज़ द इंटरनेट और यूज़ द वॉइस कॉल, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एरर, ठीक है। और दैट कैन नॉट डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशंस ऑल्सो, ओके। तो वेदर कंडीशन का भी उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं है सेलुलर फोन सर्विस पे, ठीक है। सो दिस कम इन हैंडी इन सो मेनी वेज। सो लेट योर बॉस नो अबाउट द लास्ट मिनट चेंजेस टू एन इम्पोर्टेंट बिजनेस डील, कीप टैब्स ऑन योर किड्स, हिट अ फ्रेंड फॉर अ इम्पोर्टेंट मीटिंग और इवन कॉल फॉर हेल्प इन एन इमरजेंसी, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट सीनारियोज गिवन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे दिया है कि आपका अगर बॉस लास्ट मिनट में अगर कोई बिजनेस डील साइन करता है, ठीक है, या सेकंड एग्जांपल आपको कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग और इवन आपका अगर कोई फ्रेंड आपको इमरजेंसी, या कोई आपका रिलेटिव आपको इमरजेंसी में हेल्प के लिए कॉल कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट सीनारियोज गिवन। सो ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग ईजियर देन एवर। द मोबाइल बेसिकली हैज़ अ फ्री टू डेज मैसेंजर फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द अदर क्यूबिक एंड दे कैन बी इन टच विथ ऑफिस 24/7, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है एंड यू कैन कम्युनिकेट 24/7, ठीक है। तो ये जो सर्विस है ये कंटिन्यूस सर्विस है, मीन्स 365 डे, ठीक है, इस तरह से। सो दैट इज द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द सेल फोन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिटिंग एन MP3 प्लेयर, डिजिटल कैमरा, फोन एंड GPS ऑल इन योर पॉकेट्स एट द सेम टाइम, एट लीस्ट कंफर्टेबली इंस्टीनियस फॉर्चुनेटली विथ टूडे सेल फोन्स दैट नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर, ठीक है। तो अभी जो साइज है मोबाइल फ़ोन का, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है एंड वेट इज़ ऑल्सो लेस। तो जिस तरह से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे, उस हिसाब से क्या हो रहा है, मोबाइल का जो साइज़ एंड वेट है एंड प्रोसेसिंग पावर इज़ इंक्रीज, ठीक है। तो ये सब एडवांसमेंट उसकी वजह से मोबाइल फोन्स में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल फ़ोन में MP3 प्लेयर भी आप मीन्स गाने भी सुन सकते हो, ठीक है। उसके अलग अलग ऐप्स आते हैं, डिजिटल कैमरा है ऑलरेडी, तो कैमरा के आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैमरे दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं स्मार्टफोन में। पहले सिंगल कैमरा था, फिर डबल हुआ, ठीक है, अब ट्रिपल, क्वाड्रा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कैमरा का जो क्वालिटी है, ठीक है, जो पिक्सल में मेज़र होता है, ठीक है, तो वो भी दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है एंड कॉस्ट कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देन उसमें आप GPS यूज़ कर सकते हो, आपको पता है गूगल मैप, ठीक है। आपको कोई लोकेशन अगर सर्च करना है तो पहले किसी को पूछना पड़ता था, ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो, अगर आपको वो पता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता था, पूछ के ही जाना पड़ता था। तो अभी GPS में क्या होता है, गूगल मैप ऑन किया, सर्च में आपने लोकेशन पुटअप किया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम अगर आपके फ़ोन से ही आपके एरिया से कर रहे हो, आप GPS ऑन कर रहे हो, लोकेशन ऑन कर रहे हो,
तो आपको करेक्टली बता देगा कि आपको किस रूट से जाना है, आपको बाइक से जाना है, आपको कार से जाना है, ठीक है, या आपको पैदल जाना है, ठीक है, या बस से जाना है, इवन ट्रेन से जाना है, ठीक है। ये सभी ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पे, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो। अपने आप 3D मैप में भी दिखा देगा, सिंपल मैप में भी आपको दिखा देगा गूगल, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कितना यूज़र ट्रैफिक है वहाँ पे, ठीक है, वो सब टाइम कैलकुलेट करके आपको बता देगा। अगर आपको रीड नहीं करना है, आपको वॉइस में चाहिए, तो वॉइस भी अवेलेबल है, ठीक है, वॉइस वॉइस से भी आपको वो गाइड करेगा कि आपको राइट राइट टर्न लेना है, लेफ़्ट टर्न लेना है, ठीक है, या आपको अगर रूट पता करना है तो रूट भी पता वहाँ पे पूरा दिया रहता है, लिस्ट कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ़्ट लेना है, पूरा लोकेशन आपके साथ शेयर करता है, ठीक है। तो पहले से कितना इजी हो गया है अभी ये, ठीक है। तो बहुत सारे आपको पता है कि कैब ड्राइवर जो है ओला उबेर के, तो वो वही यूज़ करते हैं गूगल मैप थ्रू GPS, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मोबाइल फ़ोन में पॉसिबल है, मोबाइल टैब्स, ठीक है। तो ये सब एड यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए उसके, ठीक है। सो योर मोबाइल फ़ोन कैन डू प्रैक्टिकली एवरीथिंग, ठीक है। नाउ योर फोन कैन बी ऑल्सो यूज एज अ ई बुक रीडर, करेंसी कन्वर्टर एंड हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये तो कुछ जनरल यूज़ थे उसके, बट अदर यूज़ ई बुक रीडर। तो आपको पता है कि जो ई बुक रीडर है, तो वहाँ पे आप बुक्स डाउनलोड करके PDF फॉर्म में रीड कर सकते हो, ठीक है, जैसे अमेज़ॉन का भी आता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप उनका सब्सक्रिप्शन लेके ई बुक वहाँ से डाउनलोड करके यू कैन रीड इट। करेंसी कन्वर्टर मीन्स करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, जैसे अभी रुपीज़ को आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यूरो में कन्वर्ट करना है, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कैलकुलेटर ओपन करोगे, देन डॉलर का आज क्या रेट है, ठीक है, तो 1 रुपीज़ एंड से कितने कितने डॉलर में कन्वर्ट होता है, तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अभी ऑनलाइन डायरेक्टली करेंसी कन्वर्टर है, उसमें आप पुट करो डॉलर का रेट, ठीक है, तो अपने आप आपको रुपीज़ में बता देगा। करेंसी कन्वर्टर, EMI कैलकुलेटर, ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे आपको कैलकुलेटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको एज कैलकुलेट करना है आपका खुद का, कि आज के डेट में कितना एज है मेरा, तो ऑनलाइन वो भी एज कैलकुलेटर अवेलेबल है, ठीक है, तो अपने आप आपको पूरा डिटेल बता देगा, ठीक है। देन गेमिंग का तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको पता है कि अभी जितने बहुत सारे ग्राफिकल गेम्स भी आप इजीली मोबाइल पे रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ अलग 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 यूज़ है मोबाइल फ़ोन के। सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सेलुलर फ़ोन इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स। तो फैक्स मशीन आपको पता है, फैक्स का जो लॉन्ग फॉर्म है दैट इज फैसिमाइल मशीन, दैट इज कॉल्ड एज द फैक्स मशीन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट, जस्ट अ कन्वेंशनल टेलीफोन कैरीज अ वॉइस, तो जैसे लैंडलाइन या कन्वेंशनल टेलीफोन्स थे, तो वो क्या कर रहा था, सिर्फ वॉइस सिग्नल, यू कैन नॉट यूज़ द इंटरनेट ऑन द लैंडलाइन फ़ोन। तो लैंडलाइन फ़ोन पे आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ब्रॉडबैंड अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसमें मॉडेम यूज़ होता है, वो नहीं, पर सिंपली लैंडलाइन पे आप ओनली वॉइस सिग्नल, आप किसी को कॉल कर सकते हो या कॉल रिसीव कर सकते थे सिंपली, ठीक है। तो फैक्स मशीन मीन्स इज़ नथिंग बट द फैसिमाइल मशीन विच कैरीज द प्रिंटेड मैसेज इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर इन फोटोकॉपी फॉर्म। तो फैक्स मशीन क्या कॉन्सेप्ट है, तो फैक्स मशीन कॉन्सेप्ट में आप प्रिंटेड मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप अभी टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हो वैसे ही प्रिंटेड मैसेज, बट ठीक है, मीन्स उसका प्रिंट निकाल सकते हो आप, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्स मशीन, मीन्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और इट कैन बी अ पिक्चर इन फोटोकॉपी, जैसे जेरोक्स निकालते हैं हम, सेम आप प्रिंटेड मैसेज स्कैन करके फैक्स कर सकते हो, ठीक है, मीन्स ट्रांसमीटर से रिसीवर में वो रिसीव होगा। जैसे आपको अगर कोई फोटो सेंड करना है, फैक्स नंबर आपके पास है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके फैक्स मशीन में उसका जेरोक्स निकालोगे, मीन्स प्रिंट करोगे, सेम मैसेज उनके मोबाइल नंबर या फैक्स नंबर होगा, तो उसमें क्या कर दोगे, ट्रांसमिट कर दोगे, तो सेम फोटोकॉपी उनके फैक्स मशीन में भी वहाँ पे उनको रिसीव हो जाएगा,
डॉक्यूमेंट्स हो वर्ड फॉर्म में या कोई पिक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से फैक्स मशीन काम करता है। तो बहुत सारे कॉलेज में मीन्स कंपलसरी फैक्स मशीन होना, ठीक है। तो अगर कोई मेल आ गए या कोई आपको प्रिंटेड फॉर्म में कुछ फ़ोटो या कोई सर्कुलर है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, तो वो क्या हो सकता है, इजीली सर्कुलेट हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ फैक्स मशीन। फ्रॉम द सेंडर इंस्ट्रूमेंट टू द रिसीवर इंस्ट्रूमेंट, मीन्स सेंडर से रिसीवर में रिसीव होगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ फैक्स मशीन। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंडर ऑफ अ फैक्स मशीन प्रिपेयर द फोटोकॉपी ऑन अ शीट, जनरली अ ए फोर साइज पेपर विच कैन बी फेड इन टू द फैक्स मशीन। तो जिसको अगर कोई मैसेज सेंड करना है वर्ड फॉर्म में या कोई फोटो फोटोकॉपी या पिक्चर सेंड करना है रिसीवर को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, द सेंडर ऑफ फैक्स मशीन प्रिपेयर द कॉपी ऑन अ शीट। तो उसका एक पहले कॉपी बनाएगा एक शीट पे, मीन्स ए फोर साइज पेपर पे, ठीक है, विच कैन बी फेड इन टू द फैक्स मशीन। जो सेंडर का फैक्स मशीन होगा तो वो क्या करेगा, वो फोटो कॉपी उसमें पुट करेगा एंड देन सेंडर डायल्स द डेस्टिनेशन नंबर। आपको पता है कि फैक्स नंबर होता है फिक्स, जिस तरह से लैंडलाइन नंबर होता है उस तरह से फैक्स नंबर, तो आपके पास रिसीवर का फैक्स नंबर चाहिए। देन सेंडर डायल्स द डेस्टिनेशन नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे जिस तरह से लैंडलाइन पे डायल होता है, ठीक है, जैसे नंबर डायल कर सकते हो वैसे ही फैक्स मशीन पे एक नंबर दिए रहते हैं डायलिंग के लिए। तो वहाँ से आप जो सेंडर रिसीवर है जिसको आपको सेंड करना है फैक्स, उसका नंबर डायल करोगे, देन गेट्स द फैक्स टोन एंड फीड द मैसेज इन टू द मशीन। तो उसके बाद आपको एक टोन सुनाई देगा, ठीक है। आफ्टर दैट टोन द मैसेज विल बी सेंड टू द रिसीवर मशीन। तो आपने जो कॉपी ऑफ शीट जो A4 साइज में आपने जो भी पिक्चर या जो भी आपको मैसेज सेंड करना था वो अपने आप एज अ फोटो कॉपी प्रिंट होके रिसीवर मशीन में उनके रिसीव हो जाएगा। एंड वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी प्रिंट निकाल सकते हैं उसका एज इट इज़ वहाँ पर, जिस तरह से जेरोक्स निकलता है, ठीक है। तो उसी तरह से रिसीवर क्या कर सकता है, उस मैसेज को प्रिंट करा सकता है। दैट कैन बी अ पिक्चर और दैट कैन बी अ सम डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। तो इस तरह से फैक्स मशीन काम करता है। थर्ड पॉइंट, द प्रिंटेड मैसेज इज कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एज द पेपर रोल्स थ्रू द फैक्स मशीन। दिस मैसेज इज रिसीव इन द सेम फॉर्म एट द अदर। तो इसमें जो प्रिंटेड मैसेज है, फर्स्ट इट इज़ कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो ये जो प्रिंटेड मैसेज है, जो भी आपका पिक्चर फॉर्म है या वर्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में एज द पेपर रोल्स। तो हमने जैसे देखा कि उसमें ए फोर साइज पेपर होता है, ठीक है, तो जिस तरह से प्रिंटिंग प्रिंटर प्रिंट करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, उसी तरह से ये क्या करेगा, ये रीड करेगा जो आप सेंडर जो भी डॉक्यूमेंट उसमें पुट करेगा फैक्स मशीन में, उसको वो रीड करते जाएगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, ठीक है, जिस तरह से पेपर वो रोल होगा। एंड देन दिस मैसेज इज रिसीव एट द इन द सेम फॉर्म, ठीक है। तो जिस तरह से आप सेंड कर रहे हो पिक्चर फॉर्म में है, तो पिक्चर फॉर्म में ही रिसीवर में क्या होगा, वो रिसीवर होगा। अगर वर्ड फॉर्म में है तो वर्ड फॉर्म में ही वहाँ पे क्या होगा, रिसीवर मशीन में वो रिसीव होगा सेम, ठीक है। सो इस तरह से ये फैक्स मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सेशन हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ फैक्स मशीन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।